आज हम समझेंगे कि बिजली को कैसे ज़्यादा हम बचा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की एनर्जी है और एनर्जी को बचाना मतलब कि एनर्जी कंजर्वेशन, ये हिंदी में कहते हैं ऊर्जा संरक्षण। इसके लिए एक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन डे हर साल मनाया जाता है। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 का पालन हर उस कंपनी को करना पड़ता है जो इलेक्ट्रिक से चलने वाले उपकरणों को बनाती है। सबसे पहले लाइटिंग सिस्टम में समझते हैं कि उसमें हम एनर्जी कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमको सबसे जरूरी है कि जहाँ 100 वाट के फिलामेंट बल्ब लगते हैं उसकी जगह हमको एलईडी के बल्ब लगाने चाहिए। एलईडी के बल्ब जो है ये फिलामेंट के बल्बों से बहुत कम वाट के होते हैं। जहाँ हम फिलामेंट के बल्ब 100 वाट के लगाएंगे वहाँ पे हमारा 7 वाट की एलईडी से काम चल जाएगा। मतलब कि वाट जो बल्ब की रेटिंग होती है 100 वाट, मतलब 1 घंटे में वो 100 वाट खर्चा करेगा, और ये एलईडी 7 वाट की होती है मतलब कि 1 घंटे में सिर्फ 7 वाट खर्चा करेगी। मतलब कि हम 1 घंटे में 93 वाट की सेविंग कर लिए एलईडी बल्ब लगा के। दूसरा टिप्स है कि हमको जो लाइटिंग में बल्ब लगते हैं उसकी हमेशा सफाई करनी चाहिए। सफाई क्यों करनी चाहिए? कि जो बल्ब लगते हैं वो हमेशा जलते रहते हैं और उनमें से हीट निकलती रहती है। अब सफाई नहीं कर रहे हैं, जब उस पर गंदगी जम जाएगी, धूल उस पर जमा हो जाएंगे, तो उसमें से जो हीट निकलते हैं वो हीट बाहर नहीं निकलेंगे, और उस हीट के बाहर नहीं निकलने की वजह से उसके अंदर ही लॉसेस ज़्यादा होने लगेंगे, और जिस वजह से वो सप्लाई में करंट ज़्यादा लेगी, जिस वजह से हमारा पावर लॉस ज़्यादा होगा। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए कि बल्ब की हमेशा हफ्ते या 10 दिन पे हमेशा बल्ब को निकाल के साफ कर लेना चाहिए। दूसरा तीसरा तरीका है लाइटिंग सिस्टम में एनर्जी कंजर्वेशन का, कि हमको कमरे में जो पेंटिंग होती है उसको हमेशा हल्के कलर से करना चाहिए। हल्का कलर क्यों? क्योंकि हमें जानते हैं कि हल्का कलर जो होता है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक, हल्का और प्लेन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और डार्क और रफ सरफेस रहेगा तो वो लाइट को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, काला रंग सबसे अच्छा ऑब्जर्वर होता है और सफ़ेद कलर जो है रिफ्लेक्टर होता है सबसे अच्छा। तो अगर हम हल्के कलर से करेंगे पेंटिंग अपने कमरे की तो हम एक बल्ब लगाएंगे और वो जो है रिफ्लेक्ट होके वो सब तरफ ज़्यादा फैल जाएगी। तो हमारा कम लाइटिंग से ही हमें जो जरूरी इल्यूमिनेशन है वो मिल जाएगा। चौथा तरीका है कि हमें कोशिश करना चाहिए कि फोटो सेंसिटिव स्विच का इस्तेमाल करना चाहिए। फोटो स्विच सेंसिटिव स्विच मतलब कि अगर कमरे में नेचुरल लाइट आ रही है, खिड़की दरवाजे से बाहर से सन लाइट आ रही है, तो ये फोटो सेंसिटिव स्विच जो है ऑटोमेटिक ही घर के लाइटिंग सिस्टम को बंद कर देगा। और अगर घर में नेचुरल लाइट नहीं आ रही है, रात का समय हो गया है, अंधेरा हो गया है, तो ये अपने आप ऑन कर देगा। अगला पॉइंट है कि जो फंक्शन होते हैं घर में, शादी ब्याह कुछ भी, तो इसको कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन में ही करें। रात में करेंगे तो इसके लिए फिजूल की लाइटिंग में हमारी एनर्जी खर्च होगी। अगला टिप्स है कि बल्ब को हमेशा ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ से वो सब तरफ उसका लाइट जाए। मतलब कि कहीं अगर आप कोने में लगा दीजिएगा तो कोने में से वो दूसरे जो उसके अपोजिट साइड में जाने में उसको ज़्यादा डिस्टेंस लेना पड़ेगा। अगर आप बीच में लगा देंगे तो आपका दाहिने तरफ भी जाएगा, बाएं तरफ भी जाएगा। इसलिए हमेशा ऐसे ऐसे जगह लगाएं जहाँ से वो सब तरफ उसका लाइट जाए। अगला टिप्स है कि हमेशा जो है बल्ब SI मार्क के लेने चाहिए। SI मार्क मतलब SI मार्क का मतलब ये होता है कि इस बल्ब की ऑडिट होती रही है। ठीक है,
ऑडिट कौन करता है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, ये विद्युत मंत्रालय की एक सरकारी एजेंसी है जो समय समय पर ये बल्ब बनाने वाली कंपनियों के यहाँ जाके उसकी जांच करती है कि ये बल्ब जो है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अनुसार चल रहा है या नहीं, और चल रहा होता है तो उसको SI मार्क दे देती है।